क्या आप अस्थमा या दमे की समस्या से ग्रसित हैं? काफी अधिक वीडियो देखने के बाद में भी आपको इसके लिए सही उपचार नहीं मिला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनका अगर आप केवल 2 सप्ताह के लिए नियमित रूप से इनको फॉलो करते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला घरेलू नुस्खा है कपूर से दमे का इलाज। अगर दमा के कारण आपकी सांस फूल रही है, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, तो 2 या 3 कपूर की गोलियों को उबलते पानी में डालकर भाप लेने से श्वसन संबंधी बीमारियों में विशेष लाभ मिलता है तथा दमा के कारण सांस लेने की समस्या में सुधार होता है। दूसरा घरेलू नुस्खा है पीपल, काली मिर्च, सौंठ और चीनी से दमे का इलाज। यदि दमे के कारण आपकी सांस फूलती है या फिर आपका दमा शुरुआती दौर में हो तो यह घरेलू उपचार आपके दमे को खत्म कर सकता है। जिन रोगियों को दमे की शुरुआती लक्षण दिखते हैं उन्हें पीपल, काली मिर्च, सौंठ और चीनी को बराबर मात्रा में पीसकर उसका चूर्ण बना लेना चाहिए तथा इस चूर्ण में शहद मिलाकर दिन में 3 बार खाना चाहिए। इस उपाय से दमे में अति शीघ्र ही लाभ मिलता है। इसका तीसरा घरेलू उपचार है फिटकरी और मिश्री से दमे का इलाज। अगर आप पुराने समय से दमे से परेशान हैं और आपको दमे के कारण दौरे पड़ते हैं तो आपके लिए यह घरेलू उपचार अत्यंत लाभदायक होगा। फूली हुई फिटकरी और मिश्री की बराबर मात्रा में लेकर उसे पीसकर चूर्ण बना ले। बनाई गई चूर्ण से दिन में 1-2 बार लगभग 1 ग्राम चूर्ण का इस्तेमाल ताजे पानी के साथ करें। यह पुराने दमे के रोगियों के लिए भी लाभदायक साबित होता है। चौथा घरेलू नुस्खा है लहसुन से अस्थमा का इलाज। अगर आप में अस्थमा शुरुआती दौर में है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो लहसुन का रस आपके अस्थमे को खत्म कर सकता है। लहसुन को अच्छी तरह से पीसकर उसके रस को निकाल लें तथा 10 से 15 बूंद शहद में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार इसका सेवन करें। लहसुन के तेल को छाती और पीठ पर मालिश करें। इसके उपाय से सांस लेने की समस्या में सुधार होगा तथा दमा खत्म हो जाएगा। पांचवा घरेलू नुस्खा है तुलसी और काली मिर्च से दमे का इलाज। दमा होने पर तुलसी का सेवन अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। अगर आप दमे से ग्रसित हैं और आप में दमे के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं तो आप तुलसी के पत्ते और काली मिर्च सामान्य मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें। आधे चम्मच चूर्ण को 1/2 गिलास पानी में डालकर प्रतिदिन 2 बार इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से दमे में दिखने वाले शुरुआती लक्षणों में सुधार होगा। छठा इसका घरेलू नुस्खा है फिटकरी और हल्दी से दमे का उपचार। अगर आप पुराने समय से इससे परेशान हैं और आपको दमे के कारण दौरे लगते हैं या अत्यधिक खांसी के कारण कभी कभी मुंह से खून निकलने की समस्या दिखती है तो आप फिटकरी और हल्दी को सामान्य मात्रा में लेकर उनको पीसकर इसका चूर्ण बना लें तथा 3 चुटकी चूर्ण का इस्तेमाल प्रतिदिन 1/2 गिलास पानी के साथ करें। इसका इस्तेमाल आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। 7वां नुस्खा काफी अधिक असरदार है नींबू, शहद और अदरक से दमे का उपचार। अगर किसी व्यक्ति को दमे के कारण दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए यह उपचार अत्यंत लाभदायक होगा। दमे के रोगियों को प्रतिदिन प्रातः 1 नींबू का रस, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक के रस को मिलाकर 1 कप गर्म पानी में प्रतिदिन पिलाते रहने से दमे के दौरे में लाभ मिलता है तथा दमे आने की समस्या में कमी होती है। दमा का दौरा पड़ने पर गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर पिलाने से भी लाभ मिलता है। गर्म पानी तथा नींबू का रस सभी दमा के रोगियों के लिए लाभदायक साबित होता है। 8वां नुस्खा है मेथी से दमे का उपचार। अगर आपको दमे के साथ साथ खांसी के लक्षण दिखते हैं तो आप 4 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में उबाले। पानी 1/2 गिलास बच जाए तो उसे छानकर गर्म ही धीरे धीरे पी जाए। ऐसा प्रतिदिन 2 बार करें। इस घरेलू उपचार से दमा तथा दमे से होने वाली खांसी में तुरंत लाभ मिलता है। 9वां नुस्खा है गर्म पानी से दमे का उपचार। अगर आप दमे से ग्रसित हैं तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल पीने के रूप में जरूर करें। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और सोते समय खांसी भी दूर रहेगी। दमा से आने वाले दौरे में भी गर्म पानी का इस्तेमाल लाभदायक होता है। दमे का दौरा पड़ने पर हाथ पैर गर्म पानी में डुबाकर 10 मिनट तक रखें। इस उपाय से दमे का दौरा में भी जल्द सुधार होता है। 10वां नुस्खा है
केले के तने के रस से दमे का उपचार। केले के तने का रस असाध्य रोग दमा को भी दूर करने में सहायक है, परंतु यह ध्यान रखें कि केले का रस जब दिया जाए तो खाने में केवल दूध और पका हुआ चावल ही देना चाहिए। तो इन 10 घरेलू उपचारों में से आप किसी भी एक को नियमित रूप से फॉलो करने से दमे की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।